रहती है जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो बाज होता है ना उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा, एक घंटा, जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। और लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए, जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे नहीं ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रह जाएगा, प्लान है तो कंप्लीट करना है। कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो तुझमें तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। कोई किसी किस्मत की हिम्मत है जो अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों को मिटा सकता है, APJ अब्दुल कलाम के योगदान को मिटा सकता है, स्वामी विवेकानंद के योगदान को मिटा सकता है? किसी किस्मत में या कोई ऐसी लकीर हाथ की लगे मिटा सकती है? किस्मत को चैलेंज करते हैं कि इनके योगदान को मिटा के दिखा दे, नहीं मिटा सकता है। रही बात परिस्थिति की, नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर को क्लास में घुस के पढ़ने नहीं दिया गया। ये लोग जब ये कहते हैं कि हमें परिवार न, तो आपके आँख फूट गई थी इन लोग की परिस्थितियाँ देखने में। परिस्थिति किसी को नहीं रोकती है, हम जब तक परिस्थिति के आगे नहीं हार सकते हैं तब तक परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती है। इस दुनिया, रही बात करते कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम अपने, टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड वट एवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोज देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमें, हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा, कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है, जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेज़ी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जा रहे हैं, यहाँ तेज़ दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हैं। परिस्थिति को जो रोना रोता है ना उनको मतलब बहुत गुस्सा भी आता है अंदर से।